राजधानी दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान है कि रिकॉर्ड तोड़कर 49 डिग्री को पार कर गया है। दिल्ली वाले पहले से ही जहां भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं अब इनके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। खबरों की माने तो 17 मई से दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जल बोर्ड के मुताबिक यमुना के जलस्तर में कमी आ रही है, इसके कारण राजधानी के 3 वाटर प्लांट में प्रोडक्शन प्रभावित हो गया है। दरअसल दिल्ली में पानी सप्लाई को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने एक बयान भी जारी किया है। अपने बयान में दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि वजीरबाद वाटर वर्क्स में यमुना के तालाब का स्तर कम होने के कारण और यमुना नदी में हरियाणा द्वारा पानी रिलीज में कमी के कारण वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में जल शोधन संयंत्रों से जल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसीलिए 17 मई की सुबह से और जलीय स्तर समान होने तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। लोगों से अपील है कि पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर लें। वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर किसी को पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी का टैंकर अनुरोध पर उपलब्ध रहेगा और स्थानीय लोग 1916 पर कॉल करके सरकारी वाटर टैंकर बुला सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन, करोलबाग, पहाड़गंज, न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, हिंदू राव अस्पताल, शक्ति नगर, कमला नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, मॉडल टाउन, रामलीला ग्राउंड, मूलचंद, गोविंदपुर, तुगलकाबाद, अम्बेडकर नगर, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क, पंजाबी बाग और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट रह सकता है। इसके अलावा अभी भी कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत की वजह से पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। हालांकि पानी सप्लाई की यह दिक्कत तब तक बनी रह सकती है जब तक जलस्तर समान नहीं हो जाता, लेकिन इस तपती गर्मी में पानी की सप्लाई प्रभावित हो जाती है तो ये दिल्ली वालों पर किसी दोहरी मार से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।